तो शोल्डर का माप लेना है. इस दिस इज शोल्डर, ये शोल्डर है. शोल्डर है. फिर हमें यहाँ से राउंड, यहाँ से राउंड, यहाँ से राउंड हम जो लेंगे वो होगी छाती, चेस्ट. फिर हमें यहाँ से, जहाँ से चेस्ट ख़त्म हो वहाँ से हमें वेस्ट लेनी है राउंड, आगे और पीछे से साथ में. ओके, देन ये होगा आपका कमर, गोलाई या फिर वेस्ट. देन ये हिप है, आप कुर्ती बना रहे हो तो कट से ले सकते हो, ये हिप हो गया. ठीक है, यहाँ से राउंड, देन ये हो गया हिप या सीट. ठीक है, स्लीव्स की लंबाई हमें यहाँ से लेंगे हम, बाएं की लंबाई, यहाँ से बाएं की लंबाई होगी. ठीक है, स्लीव्स लेंथ और बाएं की लंबाई या फिर हाथ लंबाई. ओके, देन ये हो गई हाथ की गोलाई है, यहाँ से राउंड लेना है. ओके, ये हो गया कुर्ती के लिए. यहाँ से आर्म बुलाएगा. ओके, ये हो गई हमारी फ्रंट विड्थ. सेम हमें ऐसा बैक से लेना है, पीछे का सेम ऐसा लेना है. ओके, फिर हमें यहाँ से हम पैंट की लेंथ लेंगे. यहाँ से ये नी हो गया, नी. नी लेंथ, घुटने की लंबाई, और ये हो गया आपका घुटने की गोलाई. ओके, फिर ये हो गई घुटने की गोलाई. यहाँ से आगे और पीछे से पूरा लेना है हमें राउंड, जितना लूज रखना है उतना एक अंगुल लूज रख लेंगे. और ये हो गई बॉटम, यहाँ नीचे की गोलाई. अब यहाँ से ये पैंट हो गया, ये क्रॉच पॉइंट, ये है क्रॉच पॉइंट. ओके, अब इसके बाद मैं सिखाऊंगी कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे होती है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फिर यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक कमर लंबाई होगी, कमर लंबाई या वेस्ट होल. फिर
यहाँ से ऊपर से यहाँ तक होगा सीट लंबाई। सीट लंबाई या फिर सीट लेंथ या हिप लेंथ।